हेलो गाइस, तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो हेलो गाइस, आपको NCNO और कॉन्ट्रैक्टर की जो होती है अपनी कंट्रोल वायरिंग समझने के लिए बहुत आसान तरीके से, पहले मैं आपके लिए चार स्टेप में डायग्राम ले आया हूँ, तो उसको समझिएगा। जैसे कि जो हमारा NC स्विच है, रेड कलर NC, ये देखो पीछे लिखा है NC, ठीक है गाइस। इसमें 1 2, और ये हमारा NO है, NO में हमारा 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो यही चीज़ और कॉन्टैक्टर में जो जो चीज़ दी हुई है हमारी, A1 कॉइल, A2 NO, तो मैं वो सब आपको पहले एक बार इसमें समझा देता हूँ, फिर ताकि आपको आसानी हो जाएगी। जैसे कि ये हमारा NC स्विच है, जो अंदर से इस प्रकार का होता है, अंदर से ये दो टर्मिनल होते हैं और उसके ऊपर एक ये पत्ती सी, ये जो है आपस में अटैच रहती है। जब हम इसको दबाते हैं तो ये हटती है, तो उसकी वजह से सप्लाई कट हो जाती है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, इसके अंदर इसी तरफ तरीके की डायग्राम मिलेगी आपको, ठीक है गाइस, का मिलेगा। और NO स्विच आपको ऐसा मिलेगा कि ये इस पॉइंट टर्मिनल से थोड़ा हटा हुआ रहता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं एक बारी तो सप्लाई जाती है, और जब हम इसको छोड़ते हैं तो बंद हो जाती है। उसको हम कंट्रोल करने के लिए, हमें होल्ड करने के लिए कॉन्टैक्टर को हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे NO को यूज़ करना पड़ता है, जो हमारे कॉन्टैक्टर में होता है, ठीक है गाइस। स्टेप 1 में हमने समझाया कि किस तरीके के दिखते हैं, तो स्टेप 2 आ गया हमारा ये। इसमें क्या होगा कि हम फेस लेंगे इसका, इधर से ये देख सकते हो, फेस इस तरीके से जाएगा, स्विच में से इसमें आएगा NC में, और इसमें ये आ गया हमारा, ठीक है, फेस देख सकते हो। फिर इसमें से फेस निकलेगा जो हमारा, वो जाएगा NC में, ठीक है गाइस। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या होने वाला है कि हमारा ये फेस आएगा यहाँ से इस तरीके से NC में, ऊपर वाले टर्मिनल से होके फिर सीधा नीचे आ जाएगा 2 में, ठीक है। ये देख सकते हो आप प्रैक्टिकल में, ये हमारा फेस आया ऊपर से 1 में, और 1 से होके हमारा NC के 2 में आ गया, ठीक है गाइस। 2 से फिर हमारा 3 में जाना है, यहाँ पे देखो 3 में, 3 में आ तो जाएगा फेस, पर नीचे नहीं जा पाएगा 4 तक, क्योंकि ये टर्मिनल हटा हुआ होता है, जब तक हम इसको प्रेस नहीं करके रखेंगे तो नहीं जाएगा, जब छोड़ देंगे फिर हट जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैं 4th में दिखाता हूँ कि इसको होल्ड किस तरीके से करना है। ये आ गया हमारा 3, ठीक है गाइस। तो ये देखो हमारी स्टेप 3 में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि हमारे 2 और 1 में देखा हमने, वहाँ से फेस यहाँ पे आएगा, यहाँ से आके इसमें से आके 2 में और 3 पे आएगा, ठीक है। 3 से जो है 4 में फेस नहीं जाएगा, जब मैं इसको पुश करूँगा स्टार्ट बटन को, NO को, तो ये इसके साथ टर्मिनल जुड़ेगा और फेस यहाँ से आके नीचे A1 को ऑयल में आ जाएगा, और A1 से होके A2 में पहुँचेगा, जहाँ पे न्यूट्रल मिल जाएगी इसको, तो ये चल पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो इसको अब ये प्रेस करके तो कोई रखेगा नहीं, तो इसको होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है वो मैं बता देता हूँ आपको 4th में। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, देख सकते हो, इसमें हमें कॉन्ट्रैक्टर में A1 और A2 मिलती है कॉइल 210 वाट की, ठीक है गाइस, 220 की कॉइल होती है ये हमारी। और ये हमें NO NC स्विच मिलता है इसमें, और ये RY, और ये हमारा लोड होता है। तो मैं इसको पूरा दिखाने वाला हूँ आपको। अब ये आ जाते हैं हमारा प्रैक्टिकल पे। ये देखो मैंने वहाँ से फेस लिया, NC में 1 में आया, और 1 से 2 में आके 3 में आ गया NO के, और 4th में से निकल के हमारा कॉइल में आ गया। इसमें ये देख सकते हो कॉइल है हमारी A1, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारे दूसरे साइड पे दिया हुआ है ये न्यूट्रल है, देख लो A2 लगा हुआ है इस पे कॉइल पे, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से मैं इसमें समझाता हूँ। तो ये देखो जैसे हमारा स्टेप 3 में देख सकते हो आप कि स्टेप 3 में क्या हो रहा है। स्टेप 3 में देखा कि ये 2 से 3 पे आ रहा है, फिर आगे होल्ड करके रखने पे स्टार्टर को नीचे फेस जा रहा है सीधा कॉइल में, पर अब स्टार्टर इसको छोड़ देंगे जैसे ये NO को, तो ये दोबारा रुक जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको होल्ड करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने 4th स्टेप में मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा फेस आया यहाँ पर, और यहाँ से निकल कर 3 में आया, 3 से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है गाइस, 4 में, जब हम इसको दबा के रखते हैं। जब हम इसको दबा देंगे एक बारी तो फेस हमारे यहाँ से सीधा A1 और A2 में आके यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, मतलब चल रहा है। जैसे हम छोड़ेंगे इसको तो ये हमारा बंद नहीं होगा इस बार, क्यों? क्योंकि ये हमने जो हमारे स्टार्टर का NO, ये पॉइंट और ये पॉइंट NO, तो मैंने इसको यहाँ से एक वायर को उठाया और यहाँ से ला के इसके NO में जोड़ दिया। NO से निकल के दूसरा NO से जब आउटपुट आया तो करंट सीधा यहाँ से होके आके मैंने उसको पुश बटन के नीचे जोड़ दिया, ये देखो यहाँ पे। तो जब मैं इसको हटा दूंगा तो भी मेरा सर्किट जो है पूरा रहेगा, क्योंकि वो यहाँ से करंट आ रहा है फ्लो होता हुआ, और यहाँ से निकल के और यहाँ से आ रहा है,
तो अब ये स्विच से स्टार्ट किया तो करंट नीचे आ गया और यहाँ से भी करंट यहाँ पे घूम के आ रहा है। तो ये अब क्या होगा कि जब मैं इसको छोड़ भी दूंगा स्टार्ट बटन को एनो को, ये बंद नहीं होगा। तो इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एनसी, तो भी ये जो है हमारा कॉन्टैक्टर बंद नहीं होगा क्योंकि हमारी सप्लाई यहाँ से ये बार बार एनओ होके कॉन्टैक्टर के एनओ से फिर यहाँ से आके सीधी आके ऊपर जुड़ गई है उसके निचले टर्मिनल में। तो यहाँ से जाहिर सी बात है सप्लाई फ्लो हो रही है, तो ये अब चलता रहेगा इसको छोड़ते भी क्योंकि यहाँ से सप्लाई आ रही है। तो अब इसको ऑफ करने के लिए मुझे करना पड़ेगा कि मैं एनसी को एक बार दबा दूंगा जैसे ही, तो ये यहाँ से पावर जो है कट होगी, ये नीचे हो जाएगी और कट जाएगी, उसके बाद यहाँ से भी कट जाएगी साइड से। फिर इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे एनओ को दबाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये पूरा डायग्राम मैंने चार स्टेप में आपको समझा दिया। तो एक बार मैं आपको जो है इधर ही पूरी वायरिंग समझा देता हूँ, इसमें मैंने उसकी सप्लाई वायरिंग भी की है, वो भी देख लो आप, ठीक है गाइस। तो ये देखो, सबसे पहले देखो कि गाइस ये मैंने जैसे डायग्राम में बताया था मेरे पास ये एनओ स्विच है और ये एनसी स्विच है, ठीक है। ये इसका आ गया अपना 1.2, मेरा फेस आया 1 में 2 में आया और ये आपस में जुड़ा हुआ है अंदर से, ठीक है गाइस। तो ये आ गया मेरा अब एनओ, एनओ का ये पॉइंट आ गया और इसमें भी लिखा है 3 और ये देख सकते हो 4, ठीक है। वहाँ से सप्लाई फेस आया इसमें, इसमें से निकल के आ गया अपना सीधा यहाँ पे फेस, ठीक है गाइस। ये लगा हुआ है अपना कोइल में A1 में, ठीक है गाइस। ये देखो A1 कोइल नीचे से ये वाला वायर लगाया जो मैंने, ठीक है। तो जैसे कि मेरा फेस यहाँ से आया इसमें और इसमें से रेड कलर का फेस निकल के यहाँ पे A1 में लग गया कोइल में, ठीक है गाइस। ये हो गया मेरा वायरिंग पूरी। अभी इस कंडीशन में मैंने इसको यहाँ पे A2 है, ये देख सकते हो A2 को मैंने डायरेक्ट फेस दिया ग्रीन कलर। तो इस कंडीशन में ये क्या होना था कि इसको दबाता मैं तो ये चलना था सिर्फ, जैसे छोड़ता तो ये बंद हो जाता। तो उसी चीज़ के लिए जो मैंने आपको फोर्थ स्टेप में दिखाया था, मैंने अब बाहर से एक एनओ कॉन्टैक्टर से दिया था, वही पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसमें एक वायर उठाया उसके एनओ से कॉन्टैक्टर के, ये एनओ है कॉन्टैक्टर का, और मैंने उसको फेस दे दिया ऊपर में 3 पे, ठीक है गाइस। तो अब क्या होगा कि मेरे को फेस यहाँ से मिल रहा है, मगर इस फेस को घुमा के भी ला के मेरे को उसके फोर्थ पॉइंट में देना है ताकि इसको बंद भी कर दूँ तो वो नीचे से सर्कल चलता रहे। तो ये मैंने यहाँ से फेस उठाया और यहाँ पे ला के इस पे जोड़ दिया। तो अब क्या होगा कि मैं इसको दबाऊँगा जैसे ही, तो ये देख सकते हो अपना दबाने पर फेस आ रहा है और ये कॉन्टैक्टर चलने लगा, ठीक है गाइस। और जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये देखो कॉन्टैक्टर बंद हो गया, तो ये चलने लगा और ये मैंने लोड दिया हुआ, ये मेरे न्यूट्रल और फेस है। आप 3 पे चला रहे हो तो ऊपर तीनों फेस दे के और नीचे से आउटपुट लेके अपनी मोटर को दे सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल में हम डाला था मोटर, ये मैंने न्यूट्रल और फेस दिया इसको और आउटपुट में नीचे मैंने अपना लोड बल्ब जोड़ दिया, ये देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो बल्ब को मैं जैसे इसको दबाता हूँ एनओ को और ये बल्ब जलने लगता है और ये बंद हो जाता है, ठीक है गाइस। तो कोइल का काम होता है कि वो मैग्नेट बनाती है, इंक्रीज करते हैं मैग्नेट को, तो उसकी वजह से मेरा ये फेस जो है न्यूट्रल फेस जा रहे हैं यहाँ से अभी, मगर ये अभी काम नहीं करेंगे। जैसे मैं एनओ को दबाऊंगा और ये मैग्नेट बना के कॉन्टैक्टर को खींचेगी नीचे, तो उसी की वजह से मेरे फेस जो है आपस में टच होंगे और ये चलने लगेगा, ये देख सकते हो, ठीक है गाइस। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।